पक्के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और यहां पे मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार की खुशी यहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मनाई जा रही है। तो यहां पे ये तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी एक बताया जा रहा है कि एक ये सूचना है कि भारतीय जनता पार्टी से समर्थित जो उम्मीदवार है प्रत्याशी है सुनीता दुग्गल वो लगभग 70,000 वोटों की लीड अभी वो कर रही है। सिरसा लोकसभा पार्टी के जितने भी तमाम समर्थक हैं वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। मोती मोती और आगे भगवा धारी के जो नारे लगा करके यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। जी सुनीता दुग्गल जी अभी आगे चल रही है लगभग 70,000 वोटों से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो भाई साहब शुरुआत है 70,000 से, जब ये रुझान और आगे चलेंगे कम से कम 2.5 लाख वोटों से विजयी होंगे हम यहाँ से, और पूरी की पूरी हरियाणा की 10 की 10 सीटों पे भारी बहुमत से विजयी होंगे। 2.5 से 3 लाख वोट से बहन जी जीतेंगे। चलिए और हमारे साथ यहाँ पे रेणु शर्मा जी वो आ चुकी हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहते हैं। रेणु जी क्या कुछ कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के इस पूरा भारतवर्ष की लड़ाई है, आज ये हिंदुस्तान की लड़ाई है और बहुत बड़ी जीत चलिए काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर के। अगर मैं कुल आपको दिखाना चाहूँ तो एनडीए जो है वो 331 सीटों पे आगे चल रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगा करके भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे जो नतीजों का आनंद उठा रहे हैं, नतीजों का आनंद ले रहे हैं। अगर मैं यूपीए की बात करूँ तो 93 सीटों पे आगे है और 117 सीटों पे जो बाकी पार्टियां हैं वो आगे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी एलजेडी लगा करके जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आनंद ले रहे हैं। चलिए अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं एडवोकेट साहब वो क्या कुछ कहते हैं, चलिए उनसे जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष यतिंदर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे वो। सर भारतीय जनता पार्टी लगभग एनडीए की सरकार बनने जा रही है, अभी एनडीए 303 प्लस जा रही है और सिरसा की बात करें तो सुनीता दुग्गल 70,000 के लगभग वोटों से आगे चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जहाँ तक मैं सिरसा की बात करता हूँ, बहन सुनीता दुग्गल जी 1 लाख से भी अधिक मतों से अपनी जीत दर्ज करेंगी और ये पहली बार एक ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि जब से आम चुनाव होने लगे हैं पहली बार भाजपा कमल यहाँ खिलेगा। उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं की
सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो जीत और मेहनत की, डोर टू डोर गए और जो मोदी जी की अलख जगाई, और सबसे बड़ी बात इस वक्त पूरे देश में मोदी की लहर नहीं, एक सुनामी चल रही है। हम देख रहे हैं लगातार रुझानों में, देख लीजिए इतनी जबरदस्त बहुमत के साथ ये सरकार आ रही है केंद्र में। और एक और रिकॉर्ड जो मोदी जी के नाम पर लिखा जा रहा है आज, कि पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी के बाद कोई मुख्यमंत्री ऐसा आया है जिसने पूर्ण बहुमत से लगातार दो बार सरकार बनाई है। उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ मोदी जी की कार्यशैली भी बधाई की पात्र है। चलिए शुक्रिया। शिशपाल कंबोज जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो सारे भारतवर्ष के नागरिकों को बधाई देता हूँ जिन्होंने इतना सहयोग समर्थन मोदी जी को दिया, और खास करके सरसा लोकसभा के नौ विधानसभाओं में जिस तरह से हमारी लीड आगे चल रही है, बहन सुनीता 70,000 मतों से आगे चल रही है, मैं सारे लोकसभा के सभी नागरिकों को बधाई देता हूँ। और ये मैं एक भारतवर्ष को जो आह्वान का तोहफा है, इसको हम आगे भी इसी तरह बरकरार रखेंगे, और मैं एक बार पुनः सभी को बधाई देता हूँ। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है, जिला कार्यालय सिरसा में, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह का माहौल है, खुशी का माहौल है। डीजे बजा करके, ढोल बजा करके खुशी मनाई जा रही है। और अब तक के अगर आंकड़ों की बात करूँ तो सिरसा लोकसभा क्षेत्र की बात करूँ तो सुनीता दुग्गल जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, वो लगभग 70,000 वोटों से आगे चल रही हैं। और यहाँ के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सुनीता दुग्गल जो वो है 1,00,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज करके एक नया इतिहास बनाने का काम करेंगी। कैमरा सहयोगी सुनील जाखड़ के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।